भाड़ू भैंस चोरी की। ये लोन वापस नहीं देगा कभी। आज या तो रज्जाक नहीं या फिर मैं नहीं। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया है ना? भाड़ू छीना मैंने, तुमने खुद दिया। अरे तो इंसान को लोन का पैसा वापिस भी देना होता है। मैं जानवर हूँ। म्याऊ। हेलो, भैंस का बिलौटा क्या है रे? अरे मुझसे एक मिनट कम से कम बात कर। एक मिनट बात कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है भैया तुझे मजा आने लगा। अगर लोन का पैसा वापस नहीं दोगे ना रज्जाक जी, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि हराम का पैसा लगता नहीं है। ये बड़े बूढ़े तो चूतिया हैं, मेरे लौंडे का तो पिछले ही महीने 7 किलो वजन बढ़ा। अरे तुम्हारे जैसा आदमी इंसान हो ही नहीं सकता। और मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो ऊपर वाले ने डायरेक्ट जमीन पे फेंका। आखिरी बार पूछ रहे हो रज्जाक जी, पैसा दोगे के नहीं? अरे एक मिनट रुक जा, छोटा वाला लौंडा रो रहा है, उसे दूध की फीटर दिया हूं। हाँ लौंडे को दूध भी तो चोरी का ही पिलाते होगे तुम्हें। अरे रज्जाक इतना भी नहीं गिरा कि बच्चों को दूध चोरी का पिलाए। अरे मैं तो वैसे भाड़ू भैंस चोरी की। हेलो हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा, पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात? अब्बा घूम गए तेरे? तुम बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता, आज अच्छा मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाए। रज्जाक जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख ईगो पर लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं ना ही कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार, तो वो ही खाकर तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया, फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे? मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ क्या मतलब कितना टाइम लगा? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफा खत्म हो गया यार। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अच्छा ले सोनू तो फिर तोड़ दे सिम। मेरा मतलब है सर, आप अपनी सिम पर रिचार्ज करा लीजिए। अरे चाचा वही रुपया है, इसकी बात मत सुनो। और तुम्हारा नंबर कैसे आया इसके पास? अरे मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ सर, हमारे पास सबके नंबर है। अजय वाह, ये दो नंबर गली में रिया रही थी, इसका नंबर देना। लाऊ में लौंडियों का काम ये भी बढ़िया है। अरे मेरा मतलब है मेरे पास रिया का नंबर नहीं है। आखा चाचा, रिया का नंबर किसी के पास नहीं है। मुझे तो लग रहा है रिया ने अपनी सिम खुद बनाई है। अरे तुम्हें क्या लेना देना है यार रिया से, तुम मुझसे बात करो और सर से बात करो। चाचा देखियो सर अपनी बहू का नंबर देंगे। तेरे मुंह में डंडा तोड़ दूंगा और तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। हाँ सोनू, इस तरीके से बात फैल जाएगी और सर बेचारे किस किस को अपनी बहू का नंबर देंगे। हेलो, अरे रिया नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक मशीन हो रही है कि जो करंट देगा उसके साथ भग जाएगी। हेलो नमस्कार सर, मैं आईडिया कंपनी की तरफ से राकेश बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ सर आपकी? दुनिया की दौलत एक तरफ और रिया एक तरफ रख के तुम हमसे पूछते कि दिनेश का चुनोगे, तो हम रिया चुनते। यहाँ टूटे दिलों का मुशायरा नहीं चल रहा, कस्टमर केयर में फोन कर रहे हो तुम, दिक्कत बताओ कहाँ आ रही? अरे रात रिया का फोन आया, उसने हमको बोला कि हम तुम्हारे साथ भागने को तैयार हैं दिनेश, जैसे ही हम रास्ता पूछते तुमने नेटवर्क काट लिया। अरे तुम बिल्कुल नट आदमी हो यार, दोबारा तो फोन काहे नहीं करते रिया को तुम? अरे यार फोन लगाए थे पर उसकी मम्मी उठाई और बोली कि रिया रात से मिल नहीं रही है। का मतलब मिल नहीं रही है? किसी के साथ भाग गई लगता है। किसके साथ भाग गई? जिसके मोबाइल में नेट बगाता होगा उसके साथ भाग गई। अरे रिया नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक मशीन हो रही है कि जो करंट देगा उसके साथ भाग जाएगी। रिया नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक मशीन हो रही है कि जो करंट देगा उसके साथ भाग जाएगी।